ये भाई पहले फिटनेस की इतनी बढ़िया एडवाइस देते थे, टिप्स देते थे, सब चीज डिटेल में बताते थे, अब इनका कंटेंट सिर्फ लड़ाई झगड़े ही रह जाएगा, आप देख लेना मेरी बात, बीच बीच में फिटनेस डालते भी रहेंगे लेकिन इनको पता है कि लड़ाई झगड़े से व्यूज आते हैं, तो ये लड़ाई झगड़े इनके कभी खत्म नहीं होंगे इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख। ये लगता है कि ये सब चीज जो है पब्लिसिटी के लिए की जा रही है, व्यूज के लिए की जा रही है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए की जा रही है और हाइप बनाने के लिए की जा रही है, क्योंकि भाई इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। सही बताऊं तो मैं इससे पहले अगर आप देखो तो इन सब के जो व्यूज थे, सब्सक्राइबर थे भाई 700 के। देखो शंकी मैं घर आया हूँ और मुझे कहाँ लेके आया ये गोलगप्पे और चाउमीन वाला भाई। जैस को अंदर ही बंद कर दिया। जैस तू बाहर मत जाना, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करें नया ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस ये बहुत ही सैड न्यूज़ है भाई, जहाँ से वैसे मैं अपनी कटिंग वटिंग कराता हूँ, मतलब जिस सैलून से भाई, उसका ओनर ही एक्सपायर हो गया यार। तो वो भाई 3-4 दिन से बंद ही पड़ा है वो सैलून, और किसी से मेरी सेटिंग बैठती नहीं है बिल्कुल भी। तो अब कोई ढूंढना पड़ेगा प्लेस यार, कोई नहीं किसी से पूछूंगा, 2-3 बढ़िया बढ़िया वहाँ जाऊँगा यार। मेरे किसी और सेटिंग बैठती नहीं यार, कोई ऊपर कर देगा कोई नीचे कर देगा, फिर काम खराब हो। भाई धूप तो ऐसी निकल रही है जैसे कोई जून जुलाई का टाइम आ गया। तो गाइस ये वाला गाइस डॉग फूड लिया है अभी, ये एक्चुअली चाणक ने मंगवाया था अपने डॉग के लिए, उसको वहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा, ये बड़ी मुश्किल से मिला यहाँ भी यार। सारी दुकान पूछी थी, लास्ट दुकान में बाई चांस मिल गया ये। तो चलो बाकी तो वैसे तो ऑनलाइन मंगाते हैं लेकिन इस बार शायद ऑनलाइन मिल नहीं रहा होगा। तो गाइस आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है इसकी, रजत दलाल की और दूसरे का नाम क्या है इसकी, राजवीर की, तो इसके बारे में कुछ रिएक्शन दो, इसके बारे में कुछ बात करो। तो भाई देखो अपना वैसे तो बनता नहीं है कुछ इस कंट्रोवर्सी के बारे में बोलने पे, लेकिन फिर भी जब आप लोगों ने बोला तो फिर इसके बारे में अपन रिएक्शन दे देते हैं। तो देखो भाई मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ जो है पब्लिसिटी के लिए की जा रही है, व्यूज़ के लिए की जा रही है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए की जा रही है और हाइप बनाने के लिए की जा रही है, क्योंकि भाई इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। सही बताऊं तो मैं इससे पहले अगर आप देखो तो इन सब के जो व्यूज़ थे, सब्सक्राइबर थे भाई 700 के सब्सक्राइबर फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और इस कंट्रोवर्सी के बाद भाई एक एक दो दो 1.5-1.5 मिलियन इनके सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, इनकी रील वायरल होने लगी हैं, 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज़ जाने लगे हैं। तो आप सब समझदार हो, खुद सोच सकते हो ये क्यों की जा रहे हैं भाई चीज़ें, ठीक है। तो भाई डायरेक्ट सी बात ये है कि इनका कंटेंट देखना बंद करो भाई। मैंने जब स्टार्टिंग में भाई थोड़ा बहुत देखा था इनका, जब ये लड़ झगड़ रहे थे तो मैं तभी समझ गया था, मैं क्यों की जा रही है चीज़ें भाई ये, ठीक है। मेरे घर पे जितने भी फ़ोन हैं, जितने टीवी हैं, मेरे फ़ोन सब जगह, मेरे दोस्तों के फ़ोन सब जगह भाई ये फीड में यही चल रहा है और कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई। इंडिया में जब जो चीज़ ट्रेंडिंग चलेगी वो आपके डिवाइसेस में जरूर दिखाएगी, वो एक बार तो सजेशन आएगा ही आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि भाई लोगों को देखना जरूरी है, ट्रेंडिंग पे इसलिए चल रही है, लोगों को लड़ाई झगड़ों में इतना इंटरेस्ट है भाई, और चीज़ चाहिए नहीं, लोग कब यही चाह रहे हैं कब ये लड़ें, कब ये झगड़े करें, कौन इधर जाएगा, कौन उधर जाएगा, कौन किसको बुलाएगा, ये सब भाई बेकार की बातें हैं। देखो मैं समझा रहा हूँ, सब बेकार की बातें हैं, और इन चीज़ से भाई आगे बढ़ो, अपना काम करो, मेहनत करो, और इन चीज़ में भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो। सिंपल सी बात ये है, कंटेंट देखना है कोई ढंग का कंटेंट देखो, इन कंटेंट में कुछ नहीं रखा है भाई लड़ाई झगड़ों के, ये कुछ नहीं भाई, ये लास्ट में पागल किसका बनेगा? सब्सक्राइबर का, जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं उनका ही पागल बनेगा। ये कॉम्प्रो कर लेंगे, ये दोस्ती कर लेंगे और कुछ नहीं है, और अपना जो इतने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि भाई लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये सब पागल बन जाएगा व्यूअर्स का, सही बता रहा हूँ मैं। तो इन चीज़ से ऊपर उठो, और इस चीज़ में कुछ नहीं रखा भाई, सही बात तो ये है। ये है मेरा ओरिजिनल रिएक्शन, ऐसा मुझे लगता है, बाकी और कुछ नहीं है भाई। और भाई सबसे तकड़ी बात यह है कि मैं इन दोनों को पहले ना फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे, ये भाई पहले फिटनेस की इतनी बढ़िया एडवाइस देते थे, टिप्स देते थे, सब चीज़ डिटेल में बताते थे, अब इनका कंटेंट सिर्फ लड़ाई झगड़े ही रह जाएगा, आप देख लेना मेरी बात, बीच बीच में फिटनेस डालते भी रहेंगे लेकिन इनको पता है कि लड़ाई झगड़े से व्यूज आते हैं, तो ये लड़ाई झगड़े इनके कभी खत्म नहीं होंगे इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, देख लेना आप। तो इन दोनों को मैं अनफॉलो कर रहा हूँ इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि भाई पहले क्यों मैं फॉलो करता था, फिटनेस की वजह से, कभी भाई एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में, दोनों बताते थे भाई, लेकिन अब कोई मतलब नहीं रहा। इन दोनों को मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इनका कंटेंट चेंज हो चुका है और इनका कंटेंट अब यही रहेगा, मुझे पूरा पता, देख लेना आप चाहे। तो यही रिएक्शन है भाई, और क्या भाई। मैं अभी घर पर आई हूँ, घुसा ही हूँ जस्ट, और ये देखो भाई इसका
तू मानेगा नहीं आईपैड तेरे दोबारा लेना पड़ेगा। अभी तो छुट्टियां हुई हैं। छुट्टियां हैं तो पूरे दिन थोड़ी चलाएगा। पूरे दिन भाई इसकी जब से छुट्टियां हुई ना इसको जो नित्य दिन नहीं मिला ना आईपैड उसको पूरी कसर पूरी है। लेकिन जब कल तो तू जब स्कूल से आ गया था तब से आईपैड ही चला रहा है ना। अब मुझे लग रहा है इसका दोबारा आईपैड अलमारी में रखना पड़ेगा लॉक करके, आपके बाद पासवर्ड दूसरा लगाना पड़ेगा है ना। मैं सोच रहा हूँ आईपैड दिया ही वापस। गाइस देखो शंकी मैं घर आया हूँ और मुझे कहाँ लेके आया ये गोल गप्पे और चाउमीन वाला भाई। चेस को अंदर ही बंद कर दिया। चेस तू बाहर मत जाना ठीक है। गाइस देखो मोमोज लेके आया। चेस अंदर से देख रहा होगा। खा ले भाई पूरे खा लेगा ना। आप भी खाओगे? मैं तो एक आधा ही खाऊंगा। तो गाइस अपने तो नारियल पानी पियो और चिल करो, लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने जरूरत नहीं है। तो इस ब्लॉग को भी गाइस यहीं खत्म करते हैं। हमें ध्यान रखिए, मुझे हमारी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है। बाय।